विष्णु जी, अभी नेपाल में एमसीसी आ रही है, तो क्या नेपाल का वहाँ समस्या इस समय ये हाल है कि नेपाल जा रही है, समाप्त हो रही है अस्तित्व? ऐसा है, एमसीसी तो आ ही नहीं रहे, ये तो ये नेता लोग को जाने का समय हो गया, तो ये लोग एमसीसी ले आएंगे। अगर इनको नहीं रहना है देश में, विश्व में, दुनिया में, तो इन लोग एनसीसी पास करेंगे, नहीं तो एनसीसी हो नहीं सकता। और एनसीसी हुआ तो तालिबान से और ज्यादा खतरा हो एमसीसी जाएगा। जो है 17-18 में पास हो चुकी है, वो दे दिया गया है, लेकिन इस समय एग्रीमेंट के तहत अब जो है वो अमेरिका उस पर हावी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, 17, ये तो देखिए 2014 तारीख सितंबर 2017 में जिसने जो कार्की जो फाइनेंस, तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने साइन कर दिया था, और देवबाल प्रधानमंत्री था, तो ये लोग अमेरिका में जाके बैठ के साइन किया था। उस टाइम में अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी यूएसए का वो भी था, लेकिन उन्होंने भी साइन नहीं किया, एमसीसी साइन किया और ये फाइनेंस मिनिस्टर साइन किया, और ये दोनों बैठे, अमेरिका का डिप्टी सेक्रेटरी बैठा था और ये आपका शेरबहादुर देवा बैठा था, क्योंकि ये लोग साइन नहीं किया। और उसके बाद में ये एग्रीमेंट है, एमओयू था, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलता है उसको, इसीलिए उसको बेस में इन लोग को बिल पारित कराने चाह रहा है, तो बिल पारित नहीं करेगा तो काल एमसीसी को अगर हम लोग जनता भगाता है देश से, तो कोर्ट जाने का इनका तरीका नहीं बनता है, इनका रास्ता नहीं बनता, इसीलिए उसके लिए ये लोग औपचारिक तौर से पार्लियामेंट में पास करें और हम औपचारिक तौर से केस फाइल कर सकें, हम औपचारिक तौर से नेपाल के जनता को भगा सकें, औपचारिक तौर से इनसे ही पावर लेकर हम इनसे ही भगाएंगे, ये अमेरिका का विचारधारा था। उसमें जनता सचेत है और युवा सचेत है, ऑलरेडी जागरूक जनता हो चुका है, अब नहीं होगा। अगर होता है, 1% अगर करता है, तो नेपाल का ये जितना भी नेता है, जिससे एमसीसी ज्वाइन करता है, तो इनका 20 घंटा का अंदर इनको भी देश दुनिया छोड़ना पड़ेगा। ये 20 घंटा का हम अल्टीमेट देता है, और करो बोल के मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ इनको, क्यों नहीं कर रहा है, करो ना, हिम्मत है तो करो, 20 घंटा का लेकर जीना है करो, उसके बाद नहीं जी पाओगे, दुनिया में नहीं रह पाओगे, ये 20 घंटा का मेरा अल्टीमेट है इनका। और इन एडिशन जो तालिबान में आज लड़ाई चल रहा है, वो तालिबान से भी ज्यादा होगा, नेपाल में वर्ल्ड वॉर होना ही है और नेपाल ध्वस्त होना ही है, इनको समझ में नहीं आता है, इनके पास दिमाग है ही नहीं, काम करने का कुछ बुद्धि शक्ति और विधि है नहीं, नीति है नहीं, तो इसलिए जो देश का जनता का संपत्ति है वो बेचता है, और देश का जनता को अपना घर चलाने का जैसा देश का जनता को चलाता है, और अपना घर में सबको धमका के, बाप जो बन के सबको बेटा को धमकाने का जैसा देश का जनता को धमकाता है नेता लोग, तो इनको जनता से पावर लेता है और जनता को ही मारता है, तो इनको इसलिए अल्टीमेटम है, 20 घंटा दिखाए, इन्हें पास करके 20 घंटा हो जाए, ये कहाँ रहेगा तब पता लगेगा। ऐसा एमसीसी होने वाला नहीं है, और एमसी होने वाला विश्व का हिंदू एमसीसी का खिलाफ है, और जितने साधु संत है एमसीसी के खिलाफ है, ऑलरेडी समर्थन आ चुका है, एमसीसी नहीं होगा, बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये लोग सुधर रहा है न किसी का सुन रहा है, तो इनका अंतिम फैसला है और अंतिम इनका दुनियादारी है। आप अभी बता रहे हैं एमसीसी नहीं हो रहा है, जबकि नेपाल में सारे संस्था इस समय विरोध कर रहे हैं, वहाँ पे सड़कों पे उतर आए हैं, तो उसके लिए क्या आप करना चाहेंगे? ऐसा है, विरोध तो सब आना है, अब सब जनता वहाँ में विरोध कर रहा है, और प्रवास से भी एक विरोध करने वाला चाहिए, तो इसलिए हमारा मंच विश्व से विरोध करेंगे, विश्व का प्रवास से जितना भी हमारा 205 में 204 कंट्री है वहाँ से विरोध करेंगे कि हमारा एनसीसी नहीं होना है। इसीलिए मैंने बारंबार अमेरिका का राष्ट्रपति वाइडेन जी को भी मैंने आग्रह किया हूँ, नेपाल का नेता का पास दिमाग नहीं है और सोचने का शक्तियाँ नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, माइंड नहीं है, जांच पड़ताल नहीं कर सकता है, इसीलिए आप लोग बुद्धिमान हो, बुद्धिमान एक व्यक्ति है, बुद्धिमान है उसमें पद में बैठे हैं और महाशक्ति है, तो आप लोग इस तरीका से दबाव ना डालिए ताकि नेपाल का जनता को बर्बाद होना पड़े। मैंने ये ऑलरेडी उनको भी मैसेज भेज चुका हूँ, वाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका को मैसेज भेज चुका हूँ लिखित में, वो मेरे पास कॉपियाँ भी है कि मैंने आपको इस तरीका से दबाव ना बनाए, क्योंकि नेपाल का जनता सुधा सादा है और नेता बिक्री करके चले जाएंगे और देश बर्बाद हो जाएगा, जनता बर्बाद हो जाएगा, और थर्ड वर्ल्ड वार आपका अमेरिका का जो एमसीसी है वो थर्ड
थर्ड वर्ल्ड वॉर वहां में पैदा करेगा। ये पत्र मैंने लिख चुका हूँ वाइडन राष्ट्रपति को, नेपाल हिंदू राष्ट्र पूरा स्थापन मंच की तरफ से, और मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संस्थापक अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मेरा एक जिम्मेदार बनता है, मेरा ये रेस्पॉन्सिबल बनता है कि मैंने इनको लिखना जरूरी बनता है, आवश्यक पड़ता है, इसीलिए मैंने उनको ऑलरेडी लिखा हूँ। उसका जवाब मुझे अभी ऑफिशियल तौर से आया नहीं है, और मैं मीडिया में के चैनल के सोशल मीडिया में भी मैं बोल चुका हूँ, और अभी उसका मैं उनका जवाब के इंतजार में हूँ। आगे रणनीति क्या है आपके संस्था के द्वारा? हमारे संस्था तो ऐसा है, हमारा अभी सब है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान डिजाइन भी हमारा हो गया। फर्स्ट फेज में हमको करना है, देखिए, रिलीवेंस ऑफ द स्टडी, सिनोपेसिस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, उसके बाद टूल्स एंड डिजाइन टू बी यूज फॉर द स्टडी हिंदू राष्ट्र के बारे में, और स्टैटिकल डिजाइन एंड प्लानिंग, ये सब मेरा, और स्टैटिकल टेबलेटर डाटा कलेक्शन, ये मेरा हो चुका है फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में हमारा होता है प्लानिंग, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, साथ साथ सपोर्टिंग, सपोर्टिंग भी मेरा हो गया, डिजाइन भी मेरा हो गया, प्लानिंग भी मेरा हो गया, सारे कुछ हो चुका है। थर्ड फेज में हमारा सीधा फील्ड इम्प्लीमेंटेशन है, थर्ड फेज अभी एक फेज बचा हुआ है, फील्ड इम्प्लीमेंटेशन है, वो जो दिन जाएंगे उसका एक महीना में हम हिंदू राष्ट्र ला के छोड़ेंगे। ये नहीं सोचे एक महीना में क्या हुआ, एक महीना 30 दिन होता है, 8 घंटा से भी 240 घंटा होता है, तो हम अल्टीमेट देते हैं 240 घंटा से, हम टाइम नहीं बताते, समय दिन नहीं बताते इनको। अगर इतना विरोध के बावजूद भी MCC लागू हो जा रहा है तो उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया होगी? तो ये तो सारा निर्णय जो MCC साइन करेगा वो 20 घंटा होगा, 20 घंटे में वो लापता हो जाएंगे सब, कहाँ जाएंगे उनको खुद पता ही नहीं चलेगा। वो जैसा सदाम हुसैन इस पे अरब में ये हुआ था, कतार का जब लड़ाई हुआ था, अमेरिका ने पाइप से पाइप लाइन खींच के लेके आ गया और उसको माटी के नीचे दबना पड़ा, कहाँ गया कहाँ गया पता नहीं, 9 साल बाद देखा कि सारा लकड़ी जैसा पत्थर जैसा उसका दाढ़ी बन गया है, चूल बन गया, बाल बन गया था। इस तरीके से इनका नेता का भी ऐसे ही होगा, और ये कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, 20 घंटा का अल्टीमेट है इनका, पास करके दिखा, ये मेरा ये कहना है, पास करे 20 घंटा में हम दिखा देंगे इनको क्या होता है।